आज हम लोग ये लॉन्ग आंसर डिस्कस करने वाले हैं इंडिगो नामक चैप्टर के। देखिए पहला लॉन्ग क्या कहता है हमारा, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, वाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, उसने गांधी से मिलने का निश्चय क्यों किया था, वॉट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने क्या किया। देखिए राजकुमार शुक्ला वॉज एन ऑर्डिनरी लुकिंग पीसेंट लाइक अदर इन इंडिया, राजकुमार शुक्ला एक साधारण सा दिखने वाला दूसरे भारतीय किसानों की तरह ही था या दूसरे किसान की तरह ही था भारत में। ही वॉज फ्रॉम चंपारण, वह चंपारण से था बिहार के से, बट ही वॉज रिसोल्यूट, लेकिन वह दृढ़ संकल्पी था, एंड हिज क्वालिटी मेड हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसका गुण उसे दूसरों से अलग बनाता था। ही डिसाइडेड टू मीट गांधी जी टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर सिस्टम मेड बाय द लैंडलॉर्ड्स, उसने निश्चय किया गांधी से मिलने का कि जो बटाईदारों की समस्या है किनके द्वारा, जमींदारों के द्वारा बनाया गया था, उसे हल करने का निश्चय किया। Somebody had probably told him to speak to Gandhi ji. किसी ने उससे संभवतः कहा होगा कि गांधी से बात करे। To fulfill his desire, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए he went to the Congress session where Gandhi told him that he had an important appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन में गया, वेयर गांधी टोल्ड हिम, जहां गांधी जी ने उसे बताया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि उनका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी बोला। एंड देन इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी गेव हिम डेट ऑफ विजिट चंपारण, तब गांधी जी ने प्रभावित होकर बटाईदारों की इच्छा से और कहानी से गांधी जी गेव हिम डेट टू विजिट चंपारण, गांधी जी ने उसे एक तारीख दी चंपारण आने के लिए, मतलब उसने आज्ञा मानी कि मैं इस तारीख को आ जाऊंगा। दस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इस प्रकार लंबे समय बाद एंड पेशेंट धैर्य के बाद राजकुमार शुक्ला फुलफिल हिज डिजायर DESIRE, ठीक है, डिजायर, उसने अपनी इच्छा की पूर्ति की। एंड देन इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंडेंसी स्टोरी गांधी जी गेव, सेकंड देखो, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी चंपारण कैसे पहुंचे, वॉट डिड ही फाइंड देयर, उन्होंने वहां क्या पाया, एंड वॉट डिड ही प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग, और उन्होंने आगामी कार्रवाई के लिए क्या योजना बनाई। देखो गांधी जी रीच चंपारण विद राजकुमार शुक्ला, गांधी जी चंपारण के सॉरी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण पहुंचे, बोथ ऑफ देम बोर्डेड ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, दोनों ही रेलगाड़ी के डब्बे में चढ़ गए पटना शहर के लिए बिहार में। देन देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, तब शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, एंड आफ्टर इट, इसके बाद गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, फिर गांधी ने निश्चय किया कि सबसे पहले उन्हें मुजफ्फरपुर जाना चाहिए, विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में था। गांधी चाइडेड द लॉयर, गांधी जी ने
वकीलों को फटकारा। देयर ही केम टू कंक्लूशन, फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे दैट दे शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि उन्हें कानून के लिए न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट, ऐसे मामलों को अदालत में ले जाना डज लिटिल गुड, बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो गांधी जी प्लान नॉट टू गो टू कोर्ट्स, इसलिए गांधी जी ने योजना बनाई कि कोर्ट नहीं जाएंगे। हाउसेस एंड डिसाइडेड टू मेक पीस एंड फ्रॉम फियर। सो गांधी जी प्लान नॉट टू गो कोर्ट्स, गांधी जी ने योजना बनाई कि अदालत ना जाया जाए। एंड डिसाइडेड टू मेक पीस एंड फ्री फ्रॉम फियर, और निश्चय किया कि किसानों को उनके डर से बाहर निकाला जाए। What was the share cropping system in Champaran? चंपारण बिहार में बटाईधारी की क्या व्यवस्था थी? How did Gandhi ji start his mission? गांधी जी ने अपना मिशन कैसे प्रारंभ किया? What difficulties did he face during his battle against injustice? अपनी अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में उन्होंने क्या कठिनाइयों का सामना किया? तो देखिए, इन चंपारण बिहार, चंपारण में बिहार में द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम वॉज वेरी इरिस्कम। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, यानी अधिकांश चंपारण की भूमि उन जमींदारों पर थी। एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स, और भारतीय किसान उस पर किराएदार के रूप में काम किया करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और मुख्य व्यवसायिक फसल इंडिगो थी, यानी नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेयर्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15 ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। उन्होंने जमींदारों ने उन टेनेंट्स को 2/20 भाग या 15% भूमि पर इंडिगो करने के लिए बाध्य किया और सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और संपूर्ण फसल को अंग्रेजों को रेंट के तौर पर मिल जानी चाहिए। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लंबी बटाई की व्यवस्था में किया गया। ही हैड टू मैनेज मैनी मीटिंग्स फॉर सक्सेशन मिशन, सफल होने के लिए उन्होंने कई मीटिंग्स की। ही हैड टू मैनेज मैनी मीटिंग्स फॉर सक्सेशन, इट टुक वन प्रीसियस ईयर ऑफ हिज लाइफ, इसमें उनके जीवन के अमूल्य समय का एक वर्ष लग गया। बट फाइनली द सिविल डिसोबियंस बॉर्न, अंत में आंदोलन जीता गया। तीन सौ लॉन्ग हो गए, अब देखिए लॉन्ग चार चौथे की बात करेंगे हम। नंबर चार देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट, क्या हुआ जब गांधी जी ने पुलिस के कप्तान के आदेश की अवज्ञा की? हाउ डिड द पीसेंट्स कम इन हिज सपोर्ट, किस प्रकार से किसान ने उनका सहयोग किया? एंड व्हाट फाइनल कंक्लूशन केम इन लाइट इन दैट रिगार्ड, और उस संबंध में क्या अंतिम निष्कर्ष प्रकाश में आया? When Gandhi ji disobeyed the order of police superintendent, जब गांधी जी ने
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश की अवहेलना किया, मैसेंजर ड्रॉप गांधी जी होम, एक संदेशवाहक ने गांधी जी घर छोड़ा, वेयर ही सब हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जहां उसने गांधी जी को एक नोटिस दिखाया जिसमें था कि वह चंपारण को तुरंत छोड़ दें। गांधी साइंड अ रिसीप्ट, गांधी ने एक रसीद पर सिग्नेचर किए फॉर द नोटिस, नोटिस के लिए, एंड रॉट ऑन इट, और उस पर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर ऑफ गांधी जी, कि वह जो आदेश है वह गांधी जी के द्वारा उस गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया अवज्ञा आंदोलन है उसको इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन गांधी जी को अदालत में हाजिर होने के लिए बुलाया गया। द पीस एंड सपोर्टेड गांधी जी विद फुल मेजोरिटी, किसानों ने पूरी तरह से गांधी जी को पूरी सपोर्ट किया है, उनकी सहायता किया। एट लास्ट गांधी जी रिफ्यूज, अंत में गांधी जी ने मना कर दिया, एंड फाइनली द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और गांधी जी को बिना किसी बेल के छोड़ दिया गया, एंड अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी, और हमेशा आजाद रहने को कहा। देखिए How was the civil disobedience born first time in India? भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय कैसे हुई? Describe the struggle done by Gandhi ji and others. गांधी जी वाणी के द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन कीजिए। After reaching Champaran, Champaran पहुंचने के बाद गांधी जी started his mission against the injustice done by the sharecroppers. बटाईधारों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने एक मिशन शुरू किया, अन्याय के विरुद्ध उन्होंने एक मिशन शुरू किया। फॉर द मिशन कंटिन्यूअसली ही वॉज वर्किंग हर इन वेरियस मीन्स, वर्किंग इज इन वेरियस मीन्स एज मीटिंग विद पीसेंट्स। गांधी जी अपनी योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, किसानों से सभाएं कर रहे थे, वकीलों से, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश यानी ब्रिटिश किसानों के साथ मीटिंग कर रहे थे, वकीलों के साथ कर रहे थे, और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ, जमींदारों के साथ, हायर अथॉरिटीज एज कमिश्नर एंड मजिस्ट्रेट एटसेट्रा, कमिश्नर तथा मजिस्ट्रेट आदि से बातें की जा रही थी। एंड सेवरल डेज लेटर, कई अनेक दिनों बाद गांधी जी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इनफॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोमिनेंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, यानी जो गवर्नर जनरल था उसने उस मजिस्ट्रेट के द्वारा चेतावनी दी गई। भारत में, आधुनिक भारत में सिविल डिसोबेंस है ट्रम्प, तो इस प्रकार से
पहली नागरिक अवज्ञा की विजय हुई। और देन द इंडिगो मूवमेंट, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द चंपारण, इंडिगो के आंदोलन से अलग गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। हु एक्सेप्ट गांधी जी कंट्रीब्यूट इन एनी ऑफ द वे इन चंपारण डिस्क्राइब, गांधी जी के अलावा किसी भी रूप में और अन्य किसने चंपारण में योगदान दिया, वर्णन कीजिए। द बेस्ट गांधी जी डिड फॉर चंपारण वॉज इंडिगो मूवमेंट, जो गांधी ने सबसे अच्छा काम किया था वह था इंडिगो आंदोलन। बट वेन ही नोटिस द रॉस्ट कंडीशन ऑफ चंपारण इन वेरियस मीन्स एज एजुकेशन, जब उन्होंने चंपारण में बुरी स्थिति देखी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अवेयरनेस, आधुनिक जानकारी, ग्रोथ, वृद्धि आदि, ही स्टार्टेड टू वर्क फॉर थ्री फील्ड्स, वह तीन क्षेत्रों में काम करने लग गया। फर्स्ट ही अपील फॉर टीचर्स, सर्वप्रथम उन्होंने टीचरों से आग्रह किया। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा ने आश्रम के नियमों को व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताया। दस एक्सेप्ट गांधी जी के अलावा हिज वाइफ, सन, मेनी डिसिपल्स, वॉलंटियर डॉक्टर्स, टीचर एंड मेनी अदर्स कंट्रीब्यूटेड इन द मेनी डिफरेंट वेज फॉर चंपारण। कस्तूरबा ने उन्हें आश्रम के साफ सफाई के नियम सिखाए। दस इसके अलावा गांधी जी वाइफ, गांधी जी की पत्नी, पुत्र और कई अनेक शिष्य, वॉलंटियर, स्वेच्छा से, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड मेनी अदर्स कंट्रीब्यूट, सभी ने अपना योगदान दिया अपने अपने तरीके से। हाउ डिड वी कॉल गांधी जी, हम गांधी जी को वास्तविक जीवन में वास्तविक नायक कैसे बुला सकते हैं, द रियल हीरो इन द रियल लाइफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो वी केम टू नो दैट हाउ गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट टेकिंग द प्लीज टू द एंड द जस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स अगेंस्ट शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने हमें ज्ञात हुआ कि गांधी जी ने आंदोलन आरंभ किया, प्रतिज्ञा की एंड द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स अगेंस्ट द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों के साथ जो अन्याय हो रहा था वो खत्म किया जाए। वन ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ वॉज कंज्यूम्ड इन द मूवमेंट, गांधी जी के एक घंटे का समय व्यतीत कर दिया। द मूवमेंट टेकिंग द प्लेस एंड हो गया। वन ईयर ऑफ गांधी लाइफ वॉज कंज्यूम्ड द मूवमेंट, गांधी जी के जीवन की एक साल उन लोगों के द्वारा खा ली गई। गांधी जी नॉट ओनली वर्कड हार्ड, न केवल गांधी जी कठिन परिश्रम करते थे फॉर द सक्सेस ऑफ मिशन में सफल होने के लिए, बट वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ चंपारण इन मेनी वेज, लेकिन अनेक तरीकों से चंपारण जाके लड़ा। ही सैक्रिफाइज हिज होल वेल्थ, उसने अपना संपूर्ण धन बलिदानित कर दिया, एंड लाइफ फॉर द नेशन, और अपने जीवन को देश की सेवा में लगा दिया। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। हिज स्ट्रगल कैन नेवर बी फॉरगॉटन, उनके संघर्ष को कभी नहीं बुलाया जा सकता। सो ही इज द रियल हीरो इन लाइफ, इसलिए वो जीवन में वास्तविक हीरो है।
बिलोंग हुए है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।